व्हाट इज अप दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि मैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करता हूँ, कौन से मैं टूल्स यूज़ करता हूँ, और आपको एक लिस्टिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी बताऊँगा कोई एग्जाम्पल लेके। और आपको इससे बहुत सीखने मिलेगा कि आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो। और जो भी मैं टूल्स बताऊँगा बहुत ही फ्री होंगे, तो आपको उसके टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे पैसे बर्बाद करने हैं। बट आपका माइंडसेट हमेशा फ्री के लिए नहीं होना चाहिए। ये आपको मैं इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस देना चाहता हूँ। जो आदमी फ्री सोचता है वो कभी कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि अगर आपका पैसा नहीं लगा है कोई भी चीज़ में तो आप उसका आउटपुट भी नहीं लाओगे। अगर एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपीज़ कोई चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत बहुत कुछ भी करके उसका रिजल्ट लाने की ट्राई करोगे, और वही चीज़ अगर आपको मैं फ्री में दे दूँ तो आप उसका कभी बेस्ट यूज़ नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, when you pay attention, right? And you get results. So let's dive right now into my PC and let's start listing optimization. चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए मिनिमम आपको 10-15 हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि आपके लिस्टिंग के लिए कीवर्ड्स कैसे ढूंढते हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली यही टॉपिक के लिए कैसे कीवर्ड्स ढूंढते हैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। और अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर देख सकते हो आई बटन, उसके ऊपर भी वो वीडियो पॉपअप होगा, आप उससे भी क्लिक करके वो लिस्टिंग पूरा देख सकते हो। हाईली रिकमेंड करता हूँ वो वीडियो चेक कीजिए, देखिए कैसे कीवर्ड्स ढूंढना है और फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे आप स्टार्ट कीजिए। बिकॉज अगर आपके पास कीवर्ड्स नहीं है तो लिस्टिंग हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, राइट? सो सबसे पहले हमको करना है, एक बार हमने कीवर्ड्स की लिस्ट इकट्ठा कर ली, हमने 15 से 20 हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स उठा दिए हमारे रिसर्च के थ्रू। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे हाईएस्ट प्लेसमेंट्स ऑफ रैंकिंग फैक्टर्स ऑफ कीवर्ड्स, मतलब वो कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं लिस्टिंग में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस कहाँ पे होती है जहाँ पे वो कीवर्ड्स रैंक करते हैं और आपको एक ऑर्गेनिकली आपका सर्च रिजल्ट्स में प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, वो कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग में होने चाहिए और कहाँ कहाँ पे होने चाहिए। हम बात करेंगे कैसे हमको एक परफेक्ट बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, राइट? बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखने चाहिए, फिर हम इसके बारे में बताएंगे कैसे आपको डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है विद HTML टैग्स। HTML टैग्स बेसिकली वो चीज़ के लिए होते हैं जिससे आपको एग्जैक्टली आप लिस्टिंग एकदम अच्छे तरीके से लिख सकते हो, एक साथ में जंक नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें आपको HTML से आप स्पेस डाल सकते हो, आप गैप्स डाल सकते हो, आप पैराग्राफ्स बुलेट पॉइंट्स से बना सकते हो, जो बहुत इजी हो जाता है एक बायर को रीड करने के लिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। अब इस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये सारे टूल्स मैं यूज़ करूँगा और सबके सब फ्री है। लिस्टिंग बिल्डर टूल, ये आपको हेल्प करेगा लिस्टिंग बिल्ड करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बेसिकली वो HTML टैग्स के लिए, हम बेसिक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और एग्जैक्टली HTML टैग्स में कन्वर्ट होकर वो लिस्टिंग हमको आ जाएगी। एक है फ्रीक्वेंसी काउंटर और दूसरा है कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन। सो ये सारे लिंक्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब जो टाइटल हम बेसिकली यूज़ करेंगे वो बेसिकली मैं ये टाइप का फॉर्मूला जनरली यूज़ करता हूँ। मैं सबसे पहले अपना ब्रांड नेम डालता हूँ, फिर मेरा आइटम नेम और जो भी रेलेवेंट टॉप 2 कीवर्ड्स है, सबसे हाईएस्ट रेलेवेंट टॉप 2-3 कीवर्ड्स, वो मैं इसमें डालता हूँ टाइटल में, जिसके लिए मुझे रैंक होना है या तो मेरा प्रोडक्ट उसके लिए अपियर होना चाहिए सर्च टर्म के लिए, और फिर अगर वो प्रोडक्ट का कोई बेनिफिट या यूज़ है वो डालता हूँ, फिर कलर, और फिर अगर वो पैक ऑफ 1 है पैक ऑफ 2 वैसा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बास्केटबॉल का एग्जाम्पल दूंगा, मेरा फेवरेट है। सो लेट्स से हमारा ब्रांड नेम है सिग्मा, सो मैं डालूंगा सिग्मा बास्केटबॉल। अब मेरा कीवर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, ब्रांड नेम का नाम डालूंगा मैं सिग्मा बास्केटबॉल फॉर किड्स, बास्केटबॉल फॉर अडल्ट्स, बास्केटबॉल फॉर चैंपियंस, यूज्ड फॉर इंडोर एंड आउटडोर, राइट? ये बेनिफिट हो गया। कलर रेड, क्वांटिटी 1, अगर आपका 1 ही क्वांटिटी तो कुछ भी मत डालो, अगर 2 है तो डालो पैक ऑफ 2 या 2 पीसेस। दिस इज माय टाइटल फॉर्मूला, ब्रांड नेम, आइटम नेम, कीवर्ड्स जो इसके रेलेवेंट, ओनली 2 और 3, ज़्यादा मत डालना क्योंकि वो कीवर्ड स्टफ हो जाएगा और टाइटल पढ़ के आदमी को समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि खाली कीवर्ड ही स्टफ कर दीजिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेनिफिट, मतलब इसका यूज़ क्या है, जैसे आप बोल सकते हो इंडोर में भी यूज़ हो सकते हो, आउटडोर में भी, स्कूल कॉलेज जो भी आपको
आपको मालूम होगा आपका प्रोडक्ट कितना रेलिवेंट और कहाँ पे यूज़ होता है, कलर एंड द केस क्वांटिटी। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स का मेरा फॉर्मूला है। बेसिकली सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स में हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हम सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो हमें ध्यान देना है, और वही कस्टमर को फर्स्ट बुलेट पॉइंट में हाईलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रोडक्ट है से जंडू बाम, ठीक है, उससे पेन रिलीफ होता है, तो मैं सबसे पहले इधर टाइटल में, सॉरी फर्स्ट बुलेट में इधर डालूंगा वो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, हैविंग एक्सेस पेन इन योर नी, ऐसे क्वेश्चन मार्क डालूंगा, और फिर मैं डालूंगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे आदमी फर्स्ट बुलेट पॉइंट देखता है उसको एकदम स्ट्राइक होता है, वो देखता है कि अरे यार ये तो मेरी प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन मार्क डाला आपने, उसको प्रॉब्लम बताई, तो उसको मतलब वो बहुत इंटरेस्ट हो जाता है कि यार ये प्रॉब्लम तो मैं भी फेस कर रहा हूँ, मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो वो आगे पढ़ता है। सो इसको कहते हैं हुक, मतलब आप एक मिनट के कस्टमर को रुका देते हो, मतलब वो रुक जाते हैं एक बार देखने के लिए अरे ये क्या है, और वो बहुत रिलेट करते हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम और आपने जो प्रॉब्लम हाईलाइट की है एग्जैक्टली मैच करता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम कैसे मालूम पड़ेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को स्टडी कर सकते हो आपके ही सिमिलर प्रोडक्ट्स में, उनके रिव्यूज़ में जाके देखिए क्या क्या कंप्लेंट्स कस्टमर्स कर रहे हैं और क्या चीज़ें के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, जो चीज़ अच्छी, और वो एग्जैक्टली उनको पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आपके कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है, और वही चीज़ आपको इधर हाईलाइट करनी है अच्छे से। सेकंड में आप बात कर सकते हो बेनिफिट्स के बारे में, नहीं फीचर्स के बारे में नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वेबकैम है, राइट, और वेबकैम के बारे में आप बात कर सकते हो कि इसके पास 1600 मेगापिक्सल है, नहीं, आप 1600 मेगापिक्सल एक लेमैन या नॉर्मल आदमी को क्या समझिएगा, आप उसमें ये बता सकते हो कि आपकी पिक्चर क्वालिटी 10 टाइम्स बेटर आएगी आपके मोबाइल से। अब एक कस्टमर सोचता है अच्छा मेरे मोबाइल में तो ऐसा इतना क्लैरिटी आता है, उनको मालूम है साइकोलॉजिकली, तो इसे 10 टाइम्स बेटर मिलेगा। सो इसको एक एकदम इजी रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, अच्छा इसका ये है। तो आप फीचर्स मत हाईलाइट कीजिए, आप बेनिफिट्स हाईलाइट कीजिए। जैसे बेनिफिट वेबकैम का क्या होगा, हैव अमेजिंग वीडियो कॉल्स विथ योर लव्ड वंस, ये बेनिफिट है, मतलब एंड रिजल्ट उनको क्या है, बेस्ट क्वालिटी और वीडियो मिल रहा है उनको। फीचर मत बताइए कि 1600 मेगापिक्सल है या 15 फ्रेम्स पर सेकंड है, उससे उनको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि उससे कुछ उनको मतलब नहीं। फीचर्स कस्टमर्स बाय नहीं करते हैं, कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द बेनिफिट दैट द प्रोडक्ट गिव्स देम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप बेनिफिट्स को हाईलाइट कीजिएगा और फिर बताइएगा कौन सा फीचर आपका ये बेनिफिट को सॉल्व करता है। फिर आप बुलेट पॉइंट्स में ये भी चीज़ें यूज कर सकते हो, वर्ड्स लाइक इमेजिन। इससे क्या होता है, एक मिनट के कस्टमर सोचने लग जाता है अच्छा ओके, लाइक आप उनको एक अलग दुनिया में लेके जा सकते हो। एग्जाम्पल, इमेजिन यूजिंग दिस प्रोडक्ट कैन एक्चुअली हेल्प यू गेट योर नी पेन सॉल्व फॉर एवर। वो दो मिनट के लिए इमेजिन करने लग जाता है अच्छा अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस नहीं देते भाषण में, देखिएगा इमेजिन कीजिए हमारा इंडिया कैसा हो जाएगा अगर हमने ये सब चीज़ें कर ली। वो आपको बेसिकली वो सोच में लेके चले जाते हैं, जो एक सपना दिखाते हैं आपको कि ये प्रोडक्ट ये चीज़ें अगर कर ले तो आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। सो आपको यूज़ करने वर्ड इमेजिन, यूनिक, प्रीमियम, मतलब ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, कस्टमर्स को एकदम अट्रैक्ट करती है। इंट्रोड्यूसिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया टीवी आप लॉन्च कर रहे हो तो कैसे आप कैसे ऐड जाती है, इंट्रोड्यूसिंग 16-inch टीवी विद LED फ्रेम। तो इंट्रोड्यूसिंग वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो तो आप वर्ड्स यूज कर सकते हो ऐसे इंट्रोड्यूसिंग। फिर टॉक अबाउट सम एक्स फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसा अच्छा फीचर है जैसे जो बहुत ही यूनिक है, या नहीं भी है बट आपके लिए वो प्रोडक्ट में सबसे बेस्ट फीचर वो है, तो उसको अच्छे से हाईलाइट कीजिए, मतलब उसके बारे में बात कीजिए। जैसे अगर आपके पास साइकिल है जो ट्यूबलेस टायर्स है तो बात कीजिए, मतलब तो उसके बारे में आप लिखिए डू नॉट गेट स्टक ऑन द रोड एवरी टाइम, और उसके बाद लिखिए कि दिस यूनिक फीचर ऑफ ट्यूबलेस टायर्स ऐसा। सो आपको एकदम यूनिक फीचर्स के बारे में बात करनी है फोर्थ बुलेट पॉइंट पे। फिफ्थ में आप बात कर सकते हो अमेजिंग गारंटी के बारे में, जो आप गारंटी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा नहीं लिखना है कि 30 डेज गारंटी, 40 डेज गारंटी, ये बहुत ओल्ड फैशन वे है कस्टमर्स। मैंने एक बहुत अच्छा देखा था यूनिक गारंटी एक माउस के लिए,
उन्होंने कैसा लिखा था गारंटी लास्ट बुलेट पॉइंट में, उन्होंने लिखा था वी गारंटी 100% रिप्लेसमेंट ऑफ द माउस अंटिल 10,000 क्लिक्स। सो ये बहुत ही फन वे हो जाता है कस्टमर को गारंटी देने के लिए, और लिटरली बात करो तो ये मेजरेबल भी नहीं है। आप कभी भी कोई कंपनी को बोल नहीं सकते यार मैंने 10,000 बार दबाया हुआ है और ये खराब हो गया, मतलब हाउ डू यू मेजर। बट ये बहुत ही अच्छा तरीका है इंटरेक्शन का, कस्टमर्स को बहुत यूनिक लगता है और दे लाइक टू बाय फ्रॉम योर प्रोडक्ट बिकॉज उनको ये चीज़ बहुत कूल लगती है, राइट। सो ये है बुलेट पॉइंट्स का फॉर्मूला। सेकेंड है प्लेसमेंट्स ऑफ रैंकिंग। अब आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट आपके कीवर्ड्स, आपने एक बार 10-15 कीवर्ड्स डालिए, सबसे हाईएस्ट रेलेवेंट आपके प्रोडक्ट्स का जो कीवर्ड है, सबसे पहले वो 2 या 3 कीवर्ड आपके टाइटल में होने चाहिए, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो आप डालोगे बैक एंड कीवर्ड्स में, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो आप डालोगे बुलेट्स में, और उसके बाद जो बचे हुए हैं वो सारे आ जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन में। सो बेसिकली ये ही इंपॉर्टेंस लेवल है कि सबसे पहले टाइटल, फिर बैक एंड, फिर बुलेट, फिर डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक लाइव लिस्टिंग को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली ये लिस्टिंग एनालाइज करेंगे, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग है और मैंने इसको देखा है काफ़ी हमारे रूल्स के साथ ही ये मैच भी करती है। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से हम लोग ये लिस्टिंग बना रहे हैं, ठीक है, हमने कीवर्ड्स रिसर्च कर लिए, राइट। तो हम ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं। अब मेरे कीवर्ड्स को, राइट, मैंने इसको तीन भाग में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। एक मैंने कर लिया कि जो मेरे हाईएस्ट कीवर्ड है जिसको लिए मुझे रैंक करना है वो मैं डाल दूंगा टाइटल में, बाकी वाले मैं डालूंगा बैक एंड में, और लास्ट में डालूंगा मैं अपने बुलेट पॉइंट्स में और डिस्क्रिप्शन में। एक और गैप कर देता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ अपने फोर्थ, डाल देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ये कीवर्ड्स डाली है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये साइट पे जाऊँगा listingbuilder.com पे, ठीक है। इधर मैंने खोल दिया, इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो आप स्ट्रेस मत लो और इस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। सो ये बेसिकली लिस्टिंग बिल्डर है। तो मैं क्या करूँगा, एडिट एंड अपलोड में जाऊँगा, मैं अपने सारे ये वाले कीवर्ड्स इसमें डाल दूँगा जो टॉप कीवर्ड्स है, तो एक बार आपने ये सारे कीवर्ड्स डाल दिए, अब हम टाइटल बनाएंगे, राइट। और हमारा फॉर्मूला क्या था टाइटल के लिए, ठीक है, आप देख सकते हो हमारा टाइटल फॉर्मूला था ब्रांड नेम। तो लेट्स से हमारा ब्रांड नेम है चिकन कूप, ठीक है। तो हम पहले ब्रांड नेम डाल देंगे, फिर हम डालेंगे आइटम नेम, ये क्या है, हम डालेंगे एग ट्रे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सारे ये कीवर्ड्स ये टाइटल में डाल दीजिए, तो हम आप जाएंगे कीवर्ड पे और चेक करेंगे, जो जो आप इधर डालते जाओगे उस पर ग्रीन आ जाएगा। एक बार ग्रीन आ गया सब में, इसका मतलब आपने सब यूज़ कर लिए हैं। सो हमको इन अ वे टाइटल ऐसा बनाना है कि कीवर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं और टाइटल प्रॉपर दिख भी रहा है कस्टमर को। सो लेट्स से मेरा ब्रांड नेम है लेट्स से जिंगा किचन कूप एग ट्रे, ठीक है। फिर हम डालेंगे आइटम नेम डाल दिया एक्ट्रे, अब हम डालेंगे इसके कीवर्ड्स, जैसे डालेंगे हम कीवर्ड्स रस्टिक वुडन होल्डर फॉर एग्स, ओके। अब हम डालेंगे इसका, बेसिकली हमने डाल दिया ब्रांड नेम, आइटम नेम, कीवर्ड्स, ठीक है। अब डालेंगे इसका यूज, ठीक है, बेनिफिट्स। सो जिंगा किचन क्यूब एग ट्रे रस्टिक वुडन होल्डर फॉर एग्स कॉमा काउंटर टॉप डिस्प्लेज, ठीक है। सो बेसिकली डिस्प्ले। अब हम डालेंगे इसमें क्या लिखा है, कलर आप डाल सकते हो जैसे ब्राउन, और आप डाल सकते हो केस क्वांटिटी, जैसे अगर पैक ऑफ वन है तो मैं कुछ नहीं डालूंगा वरना मैं डाल देता। सो बेसिकली कैसा हो गया, जिंगा किचन कूप एग ट्रे रस्टिक वुडन होल्डर, इसमें और डाल सकते हो प्रॉपरली आप होल्डर होल्डिंग,
सिंस ये एग ट्रे है राइट right? और ये 18 एग्स होल्ड करता है, तो हम वो भी डाल सकते हैं होल्डिंग 18 एग्स, ठीक है, एग्स फॉर काउंटर टॉप एंड काउंटर टॉप एंड डिस्प्ले, ठीक है। अभी देखो काउंटर टॉप में मैंने एक्चुअली ये गैप डाल दिया इसके लिए राइट right? तो देखिए अभी ये पूरा का पूरा इसमें आ चुका है, सारे कीवर्ड्स हमने यूज़ कर लिए हैं हमारे टाइटल में, ठीक है। अब हम सेकेंड सेट ऑफ कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जो है हमारे बैकएंड के लिए, तो ये सारी कीवर्ड्स मैं बैकएंड में यूज़ करूँगा। अब बैकएंड के लिए आपको ये ध्यान में रहना है कि बैकएंड में आपको कोई भी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी कीवर्ड रिपीट नहीं करना है, और बैकएंड में हम लोग सिंगल सिंगल वर्ड डालेंगे, हम फ्रेजेस में नहीं जाएंगे। तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स है, ठीक है, हम सबमिट दबा देंगे। ये टूल बेसिकली सारे आप जो भी कीवर्ड डालोगे सबका इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के साथ वो रिटर्न आपको ईच वर्ड दे देगा। तो हमको क्या करना है, बेसिकली इसे कॉपी करना है। आप जाओगे बेसिकली एक्सेल में, और आप यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर सकते हो, और फिर आपको जाना है डेटा में, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको डालना है स्पेस, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे कीवर्ड्स जो आपको डालने हैं बैकएंड में। इसको कॉपी करोगे आप जाओगे फिर से वो लिस्टिंग बिल्डर में यहाँ पे, और आप पेस्ट कर दोगे इधर सर्च टर्म्स में, ठीक है। तो ये आपने ये कीवर्ड्स भी पहले मैं ले लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, और कीवर्ड्स में आता हूँ। देखो अभी सारे कीवर्ड्स मेरे यूज़ हो गए बैकएंड के भी। अब हम चले जाएंगे बुलेट्स में, इसको कॉपी करेंगे, और इसको तो पेस्ट कर देंगे। अब ये सारे कीवर्ड्स यूनिक है जो यूज़ नहीं हुए और हमको यूज़ करने हैं। सो अब बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे। अब बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चीज़ें देखनी है, प्रॉब्लम एंड देन टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम बेनिफिट, ये बेसिकली हम ये एग्जैक्ट यूज करेंगे। सो लेट्स से अभी आप ये लिस्टिंग देखिए, ठीक है, देखिए इसने लिखा हुआ भी ये इजी टू क्लीन, जो भी आपके बेनिफिट्स आप वो भी लिख सकते हो, फॉर्मेट लगभग वही रहेगा, बट चीज़ें जो आपको मैंने बताई है वही रहेगा, बट मेरा जो फॉर्मूला है मैं जनरली वो यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली कैसे यूज़ करना है, इसमें भी कीवर्ड्स है, देखिए कीवर्ड्स कौन से हैं, एग ट्रे फॉर रेफ्रिजरेटर ये कीवर्ड है, प्लास्टिक एग कार्टन ये कीवर्ड है, और वुडन एग क्रेट ये भी कीवर्ड है, एग स्केल्टर ये भी कीवर्ड है। बट इन्होंने देखो किस हिसाब से लिखा है कि आपको लगेगा भी नहीं कि ये बेसिकली कीवर्ड्स इन्होंने यूज़ किए। देखिए इनका अंदाज स्टार्ट से देखिए, व्हाट इज एग स्टोरेज टू यू, एन एग ट्रे फॉर रेफ्रिजरेटर, ये पूछ रहे एग स्टोरेज है क्या आपके लिए, एग ट्रे फॉर रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक एग ट्रे, सो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ के ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, और इतने अच्छे वे में लिखा कि किसी को लगेगा भी नहीं कि ये कीवर्ड स्टफ किया है इन्होंने, राइट। हाउ अबाउट समथिंग दैट कंबाइंस अ फंक्शनैलिटी ऑफ ऑल अबाउट, ये बोल रहे कि आपके लिए एक एग स्टोरेज क्या होता है, एक प्लास्टिक कार्टन होता है कि ये, एक रेफ्रिजरेटर वाला होता है कि ये वुडन क्रेट होता है कि स्केल्टर होता है, और अगर हमारा ये चीज़ सब कुछ सेम मतलब मिक्स करके बता दे तो कैसा। सो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा वे में इन्होंने लिखा है। सो आप बेसिकली ये भी स्टार्ट कर सकते हो ऐसा, या तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊँगा, ठीक है, इसमें हमने ये सब यूज़ कर दिया राइट, तो आप इसमें जाइए, इसमें आप जा सकते हो फ्रेज में भी, ठीक है, देखिए ये सारे फ्रेजेस भी हमने यूज़ कर लिए हैं। अब जो यूज़ नहीं किए हैं ना वहाँ पे काउंट जीरो होगा, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। अब ये सारे हम यूज़ करेंगे बेसिकली किस में, हम यूज़ करेंगे ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स में। सो लेट्स से अगर हम फर्स्ट बुलेट पॉइंट बना रहे हैं, सो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से हम यूज़ करेंगे जैसे प्रॉब्लम के बारे में आप यूज़ कर सकते हो, लाइक इजी टू क्लीन एंड रीयूजेबल, ये नहीं बता रहा है कि इसका ये फीचर
ईजी टू ये फीचर कोई चीज़ को क्लीन करने में हेल्प कर रहा है या रीयूजेबल, ये अल्टीमेट बेनिफिट दे रहा है। देखिए ईजी टू क्लीन एंड रीयूजेबल, मतलब क्या फीचर की वजह से क्लीन और रीयूजेबल है ये नहीं बता रहा, ये तो इसमें बताएगा अंदर, बट ये चीज़ एंड में बता रहा है कि इसका बेनिफिट क्या है डायरेक्टली। तो जब कोई बायर ये पढ़ेगा तो उसको लगेगा अच्छा ये चीज़ बहुत ईजी टू क्लीन एंड रीयूजेबल है, ठीक है। तो अभी लेट्स से ये हो गया बेसिकली आपकी बेनिफिट जो हमने इधर डिस्कस की थी बेनिफिट, और उसके बाद वो फीचर हाईलाइट करेंगे। अब प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें एक और चीज़ है, देखो इसे प्रॉब्लम हाईलाइट की है, टायर्ड ऑफ द स्टोर बॉट कार्टन्स, मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इन्होंने रिसर्च की है कि लोग स्टोर से जो कार्टन्स बाय करते हैं कि उससे लोग बहुत बहुत बोर हो गए, तब जाके ये लिखते हैं कि एग्जैक्टली हमारा चीज़ कैसे ये प्रोडक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करता है एग्जैक्टली। सो लेट्स से अभी हम बुलेट कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग इंस्पिरेशन लेंगे इनसे ही ओके और स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स से अभी हम फर्स्ट लिखते हैं व्हाट इज एग स्टोरेज टू यू, हमारा कीवर्ड है एग होल्डर, तो हम इसमें डाल सकते हैं व्हाट इज एग होल्डर टू यू, ठीक है एग होल्डर टू यू राइट। देखिए अभी वो चला गया एग होल्डर जिसे हमने यूज़ किया होगा, एग होल्डर देखिए यहाँ पे आ गया वन। सो बेसिकली जो भी जीरो जीरो है हम सबको यूज़ करेंगे, एग ट्रे फॉर रेफ्रिजरेटर, अ प्लास्टिक एग कार्टन, अ वुडन एग क्रेट, अ स्केल्टन, ये हमारा फर्स्ट बुलेट हो गया। सेकंड हम लिखेंगे लेट्स से हम बेनिफिट वाला यूज़ करेंगे, तो हम ये यूज़ करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ से ही उठा रहा हूँ बुलेट पॉइंट्स क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में इतना पता नहीं है, बट मैं बिलीव करता हूँ कि ये प्रोडक्ट का इन्होंने जो बनाया है वो काफ़ी मेरे से रेजोनेंट होता है। इसीलिए आपके बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए आप एक तो ये चीज़ मेरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्लस आप आपके कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग देखिए वो किस बारे में बात कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए कि इस बारे में बात करनी है, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा प्लीज़। सो काउंटर टॉप फॉर डिस्प्ले आप डाल सकते हो ईजी टू क्लीन एंड रीयूजेबल, द एग कंटेनर ठीक है आप लिख सकते हो द एग काउंटर टॉप फॉर डिस्प्ले राइट, एग कंटेनर इज मेड ऑफ अकाशिया वुड एंड कैन बी वॉश्ड इन द सिंक और डिश वॉशर अनलाइक द ग्लास, ये समझ गया आप लिख सकते हो This egg countertop for display. This egg countertop for display. Display देखिए countertop for display कोई spelling mistake हुई है. Okay sorry. This countertop for display. ठीक है ये हो गया. कंटेंट इज मेड ऑफ अकाशिया, ऐसे ऐसे करके आपको बनाना है आपके वीडियो। देखो अभी तीन ही बचे हैं हमारे पास, हम एक और यूज़ कर सकते हैं राइट, हम ये ट्राई करेंगे ठीक है। इसमें हम थर्ड बुलेट पॉइंट में डालेंगे ये ऑल एग्स आर वेलकम फ्रेश एग्स, देखो अभी ये सारे यूज़ हो गए। ईस्टर एग्स इसमें वर्ड है ईस्टर एग्स, फिर फ्रेश एग्स। सो बेसिकली ये बुलेट पॉइंट में सारे हो गए और कीवर्ड सब भी नहीं हुआ, आप ये रीड कर सकते हो ऑल एग्स आर वेलकम फ्रेश एग्स, हार्ड बॉइल्ड एग्स, ईस्टर एग्स, सिरामिक एग्स, प्लास्टिक एग्स, स्टोर बॉट एग्स, इसे सारे कीवर्ड्स यूज़ कीजिए किए हैं, प्लस इसने रेलिवेंटली इसको समझाया भी है कि सब टाइप के एग्स इसमें चलते हैं, सिरामिक एग हो गया, प्लास्टिक एग हो गया। इसमें कैसा है कस्टमर को ये भी नहीं लग रहा है कि यार ये बहुत कीवर्ड सब किया है बट कीवर्ड भी यूज़ कर दिया है, तो एकदम अमेजिंग एग्जाम्पल है ये लिस्टिंग का, आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे जैसे आप इसे यूज़ करते जाओगे ये उधर वन 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 आता जाएगा, जब ये पूरा वन हो गया इसका मतलब ये पूरा अपने कीवर्ड्स यूटिलाइज कर लिए। आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो इंडिविजुअल वर्ड्स भी सारे यूज़ हो चुके हैं ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है आपका, आप यूज़ कर सकते हो। अब जो अगले कीवर्ड्स बचेंगे वो हम यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन में। अब डिस्क्रिप्शन के लिए मैं ये साइट यूज़ करता हूँ Amazon प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लिंक दे दूंगा आपको, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। लेट्स से मैं यहाँ से उठा दूंगा, इजी पड़ेगा मुझे भी। सो यहाँ से मैंने उठा दिया राइट। सो बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन जनरली कोई देखता इतना नहीं है बट आप यूज़ कर सकते हो,
क्योंकि इसमें भी कीवर्ड्स रैंक होते हैं। हमने ये बेसिकली ये कॉपी पेस्ट किया है, आप बेसिकली इसको बना सकते हो आपके कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके। सो आपको कैसे करना है, लेट्स से आपको अभी ये पढ़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, स्पेस करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको जो भी आपके कीवर्ड्स लिखते हैं वो भी आपको पहले, जो भी हमारे कीवर्ड्स लिस्ट है हमने इसे कॉपी किया राइट, और सबसे पहले तो हम डाल देंगे लिस्टिंग बिल्डर में। एडिट में जाएंगे, इधर डालेंगे लिस्टिंग और इधर डाल देंगे कीवर्ड्स में और डालेंगे फ्रेज में और काउंट कर देंगे। बेसिकली सारे कीवर्ड्स तो यूज़ कर लिए थे मैंने इसमें, लेट्स से मैं दो चार कीवर्ड्स निकाल देता हूँ एक बार के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल राइट। सो इतने सारे कीवर्ड्स अभी हमारे बाकी है यूज़ करने। सो हम कैसे करेंगे, आप इसमें बेसिकली लिख सकते हो अलग अलग टाइप से, आप लिख सकते हो जैसे दीज, अभी इसके अंदर क्या है, दीज एग होल्डर्स कैन होल्ड ऑल टाइप्स ऑफ एग्स। जैसे आप यूज करते हो हार्ड, जो भी आपका नाम है, हार्ड बॉइल्ड होल्ड एग्स, फिर ईस्टर एग्स, फिर सिरामिक एग्स, सिरामिक एग्स, फिर प्लास्टिक एग्स, चिकन एग्स। सो बेसिकली ये जैसे फॉर्मेट है वही फॉर्मेट में ये HTML टैग बना देगा। आपको कॉपी करना है और आपको डालना है डिस्क्रिप्शन में। आप देखिए ऑलमोस्ट सारे हो गए, ये भी आप वर्ड डाल दीजिएगा, मैंने डाला नहीं था। सो आप डालोगे तो एग्जैक्टली यही फॉर्मेट में अमेज़ॉन में दिखेगा, क्योंकि अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता है आपको ये सब स्पेस डालने के लिए। स्पेस डालने के लिए आपको HTML टैग्स यूज़ करना पड़ेगा, जो इसको बोलते हैं BNP डैश स्लैश, ये सब HTML टैग्स होते हैं जिससे आपको एग्जैक्टली ये फॉर्मेट में आप डिस्क्रिप्शन लिख पाओगे। ठीक है, तो आपको ये यूज़ करना है और आपको ये डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। सो बेसिकली आपकी लिस्टिंग अभी रेडी हो चुकी है, आपका डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया है, आपकी टाइटल रेडी हो गई, सर्च टर्म, बुलेट पॉइंट्स। और आपको एक और चीज़ चेक करनी, जब आप बैक एंड जैसे सर्च टर्म करोगे उसमें सिर्फ आई थिंक 100 कैरेक्टर्स ही अलाउड है, तो आपसे कॉपी करोगे, सॉरी 200 कैरेक्टर्स ही अलाउड है, तो आपसे कॉपी करोगे एक बार के लिए और ऑनलाइन काउंटर काउंट में जाना है। ये आपको कैरेक्टर्स काउंट करके दे देगा, जैसे 69 कैरेक्टर है, अगर ये 200 के ऊपर होती तो हमको रिड्यूस करने पड़ते कैरेक्टर्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही कैरेक्टर यूज़ कीजिएगा जो 200 के नीचे है, तो ये आपका अमेज़ॉन एक्सेप्ट करेगा और आपको अलाउ करेगा ये बैक एंड कीवर्ड्स डालने के लिए। और आप इसमें फ़िल्टर भी थोड़ा कर सकते हो, अगर फॉर मतलब रेलेवेंट नहीं है तो आप उसको निकाल सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें आप कॉपी करके यहाँ पर लिस्टिंग बिल्डर में पेस्ट कीजिए। अब यही चीज़ आप बेसिकली आपकी जब आप लिस्टिंग बनाओगे तो यहाँ से कॉपी करके आप एक 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 करके पेस्ट कर सकते हो। सो ये एग्जैक्टली आपका हो गया लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो आपको करनी है विथ रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड नॉट कीवर्ड स्टफिंग। आपको मैंने एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल भी दिखाया था कि कैसे ये प्रोडक्ट में कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं है बट सारे कीवर्ड्स भी यूज़ किए हैं, ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर रहे हैं, ये बेनिफिट हाईलाइट कर रहे हैं, ये कीवर्ड्स को भी लिख रहे हैं, फीचर्स भी हाईलाइट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। सो यू कैन यूज़ दिस लिस्टिंग एज अ गाइडेंस एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आप ऐसे कर सकते हो। सारे टूल्स भी आपको लिंक पे मैं दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन थोड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही फाउंडेशनल पीसेज है अगर आपको एक अच्छी लिस्टिंग बनानी है, प्लस अगर आपको अच्छे से एड्स रन करनी है और प्रॉफिटेबल एड्स रन करनी है। आपको और भी अगर जानना है कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है जिसमें आप एड्स काफ़ी प्रॉफिटेबली रन कर सकते हो, तो चार पिलर्स है उसके बारे में और उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अमेज़ॉन एड्स रन करने के लिए, प्रॉफिटेबल रन करने के लिए आपको क्या फाउंडेशनल चार पिलर्स आने चाहिए और उसको कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे DM कीजिए अगर पर्सनली कनेक्ट करना हो तो, और छोटा सा फेसबुक ग्रुप भी है अमेज़ॉन PPC रिलेटेड
डाउट्स एंड क्वेश्चंस के लिए आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो और डाउट्स जो भी है आप डाल सकते हो। सिर्फ पीपीसी रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे उसमें और मैं ट्राई करूँगा उनको आंसर्स करने के लिए कॉमेंट्स के थ्रू। ऑल्सो मैं सोच रहा हूँ जब अगर अच्छे लोग आ जाएंगे, मतलब अच्छे नंबर्स आ जाएंगे फेसबुक ग्रुप पे, तो मैं वीकली लाइव सेशंस भी करूँगा काफ़ी स्ट्रैटेजीज लेके, काफ़ी चीज़ें यू नो बताकर, ताकि आपको भी काफ़ी वैल्यू मिल पाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप सेलिंग एंड कीप क्रशिंग।